हेलो दोस्तों, एंड्रॉइड इंडिया में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे चैनल पर एंड्रॉयड एप्लीकेशन और एंड्रॉयड गेम्स रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहती हैं, तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे एक गेम जो कि बहुत ही पॉपुलर है, कॉल ऑफ ड्यूटी। सिंपली हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं प्ले स्टोर से, जो कि 1 GB के नियर अबाउट है। मेरा यह इंस्टॉल हो चुका है, तो सिंपली हम इस पर क्लिक करके ओपन करेंगे और फर्स्ट लुक देखेंगे कि कैसे इसको यूज़ करना है। सिंपली हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करके हम इसको कुछ परमिशन देनी रहेगी। हम इसको परमिशन दे देते हैं, जिससे गैलरी की परमिशन है या और भी कुछ परमिशन होगी वॉइस चैट के लिए, तो उसको आपको अलाउ करना होगा आपका माइक कैमरे के लिए। तो यहाँ से हम उसको अलाउ कर देते हैं। अलाउ करने के बाद आपका जो गेम है यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही वेटिंग वाला गेम थे, बहुत दिन से इसकी वेटिंग हो रही थी कि मोबाइल के लिए। ये जो है पबजी को टक्कर देने के लिए काफ़ी है। एक्टिवेशन कंपनी के द्वारा बनाया गया है, और जो पबजी को होस्ट करता है टेंसेंट गेम, वही गेम वही इसको भी करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ डाउनलोडिंग है, कुछ फाइल को एक्सट्रैक्ट कर रहा है। फर्स्ट टाइम आप इंस्टॉल करेंगे तो हमेशा नहीं करेगा, फर्स्ट टाइम में आपको थोड़ा सा ये टाइम लेगा। तो यहाँ पे कुछ फाइल को एक्सट्रैक्ट करेगा, कुछ ऐसी फाइल रहती है। तो यहाँ से आपको फेसबुक से साइन अप कर सकते हैं गेस्ट के ज़रिए। तो हम फेसबुक से करते हैं साइन अप, ताकि हमको बार बार ना करना पड़े। तो यहाँ से हम फेसबुक को चूज़ कर लेते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको अपना प्लेयर नेम दे देना है, तो प्लेयर नेम हम यहाँ पे अपने नेम में कुछ ऐड कर देते हैं, क्योंकि उस नेम से ऑलरेडी कोई ले लिया रहता है आपके नेम से। तो यहाँ से हम ऐड करके ओके पे क्लिक कर देंगे, तो आपका नाम इसके सर्वर पे अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लोड हो रहा है। कुछ बेसिक जो आपका यहाँ पे फंडामेंटल यहाँ पे यूज़ करने का ऑप्शन दिया गया है, कैसे इसका आपको यूज़ करना है और कौन कौन सा एक्शन कहाँ कहाँ से यूज़ होगा। तो यहाँ से आपको कुछ ट्रेनिंग है, इस ट्रेनिंग को आपको कंप्लीट करना ज़रूरी है, बिना कंप्लीट किए आप इसके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो यहाँ से कैसे पिकअप करना है, कैसे एम लेना है, कैसे फायर करना है, वो सब आपको यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे कुछ ट्रेनिंग कैंप किस तरीके से आपको दिया गया है, यहाँ पे आपको पॉइंट भी मिल रहा है ट्रेनिंग करेंगे तो, और बाद में उससे आप वेपन भी खरीद सकते हैं उस पॉइंट से। तो यहाँ से कैसे आपको रिकॉइल करना है वो सब दिया गया, और कैसे, और यहाँ पे एम लेने के लिए दिया गया है, टैप टू एम पे क्लिक करके आप एम ले सकते हैं। और यहाँ पे स्कोप दिया गया है कि स्कोप के ज़रिए कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ सेटिंग्स के बारे में भी दिया गया है, वो सब सेटिंग को आप जो फंडामेंटल सेटिंग है वो सब यहाँ से देख सकते हैं, कैसे आपको फायर की दी गई है सेटिंग, कौन सा आप चूज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। तो मैं एक ले लेता हूँ रेंडमली, और लेके हम उसको ओके करते हैं। और यहाँ से दिया गया है फायर, आप सिंपली उस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से आप इसकी फायर होगी। तो ये सब बेसिक जो सेटिंग है ये आपको करनी है, आपको इतना जो ट्रेनिंग है वो लेनी है, उसके बिना ये आगे नहीं बढ़ सकता है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग कुछ मोड्स मिलेंगे, जो कि पबजी में देखने को आपको नहीं मिलेगा, और पबजी को टक्कर देने के लिए काफ़ी है। इसके ग्राफिक भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छा है, और यहाँ पे कुछ ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो कि आपको पबजी में देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आप ड्रोन के मदद से भी आप अपने एनिमी को किल कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं विक्ट्री कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और यहाँ पे आपको पॉइंट मिल गया। तो कंटिन्यू पे क्लिक करके अभी आपको 7 स्टेप्स फॉलो करना है, उसके बाद आप इस तरह के जो स्क्वाड मोड है या रॉयल फील्ड में आप जाके, जो उसमें सर्किल में आप जाके खेल सकते हैं। लेकिन आपको जो 7 प्रोसेस है उसको पार करने के बाद ही आप उस तरीके की फील्ड में जा पाएंगे। तो 7 स्टेप्स को आपको कंटिन्यू करना होगा। तो यहाँ से देख सकते हैं कि 100 कॉइन आपको मिल चुकी है, कॉन्ग्रेचुलेशन। इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं मैसेज भी आ चुका है कि आप कंटिन्यू करके आप देख सकते हैं। स्टोर में जाके आपको जो मिला है 100 का, उसका वेपन में कुछ अरे ऐड करना चाहते कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि मल्टीप्लेयर पे क्लिक करके आपको मैच में जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बोर्ड से खेलना रहेगा। स्टार्ट पे करेंगे और की टीम बन जाएगी, और यहाँ से आप इस बोर्ड से खेलेंगे, और आपके साथ 5-5 की टीम रहेगी, जैसे पबजी में रहता है वैसे यहाँ पे भी आपका मोड है। इसमें आपको खेलना होगा, जैसे ये 7 स्टेप्स आप पार करेंगे और जब जब आप विन करेंगे तब तब आपको आगे बढ़ाया जाएगा कि आप एक स्टेप्स आगे बढ़ चुके हैं। तो इस तरीके से आप जब 7 सीज़न पार कर लेंगे 7 स्टेप्स, तब जाके आप रॉयल फील्ड के अंदर जाएंगे और अपनी टीम बना के जैसे पबजी में खेलते हैं उस तरह खेलेंगे। तो मैं आने वाले वीडियो में वो भी बताऊंगा कि कैसे आपको खेलना है और कैसे क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पे हमको
फाइव की टीम बनी है और फाइव जो एनिमीज होंगे उनको मारना है। तो ये जो सीन है यहाँ पे, कभी आपकी बोट पे जाती है तो कभी किसी सिटी के अंदर की रहती है, तो दो तीन जगह की सीन है। कुल मिला जुला के आपको ये पार करना है, एक तरीके से ये ट्रेनिंग ही कर लीजिए। ये जब पार कर लेंगे 7 स्टेप्स, तो उसके बाद आपको जो मेन गेम है उसके अंदर आपको एंट्री मिल जाएगी। उसके बाद आपको ड्रॉप किया जाएगा आपकी टीम के द्वारा, या आप सिंगल खेल रहे हैं तो सिंगल। उसके बाद उस आइलैंड पे, जैसे पबजी का रूल्स है वैसे इसका भी है, लेकिन ग्राफिक इसकी देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी देखने को मिली है और स्मूथ यहाँ पे काम कर रहा है। तो गेम का जो है उसका मज़ा लीजिए, और अभी गेम बाकी है, इसकी जो गेम प्ले है इसको देख लीजिए। इसमें हम सिर्फ जो स्टेप्स है, 7 स्टेप्स या 7 पॉइंट कर लीजिए या 7 ये कर लीजिए, हम उसको पार करें हैं। हम आने वाले वीडियोस में हम मल्टीप्लेयर के साथ गेम फील्ड में उतरेंगे, तो आने वाली वीडियोस के लिए इंतज़ार करिए। तो ये वीडियो अभी आ गया, बाकी उसको देखते रहिएगा। अगर आप और भी कॉल ऑफ ड्यूटीज़ के बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे इसको खेलना है, या कोई ऐसा मेन्यू है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। आने वाली वीडियोस में उस पर क्लियर वीडियो बनाएंगे। तो गेम प्ले का मज़ा लीजिए। For deployment. Hunter killer drone on standby. Predator missile awaiting orders. Keep on them. One of this one. Sniper eliminated!